अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद है जी आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे जी। तो ऊपर छत पे आए हूँ तो जी वो सामने एक कबूतर बैठा हुआ है जी, किसी का चौकी सा लग रहा है जी, ये पीछे उटक रहा है जी कबूतर इसके। तो चलें जी कोशिश करते हैं इसको पकड़ने की, पकड़ा गया तो ठीक है, ना पकड़ा गया तो तब भी ठीक है, वैसे हमें शौक तो नहीं है। तो ये जी कुछ अपने बच्चे शच्चे जो थे छोटे छोटे अंदर से निकाले हैं जी, मैंने कहा ज़रा धूप छुप लगवाऊँ। एक बच्चा वो सामने बैठा हुआ है जी, वो ऊपर से नीचे गिरा जी, थोड़ी सी इसको लग गई है। तो ये बाकी और भी बच्चे शच्चे निकाले हैं, मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा दाना शाना भी इनको बाहर निकाल के डालता हूँ और धूप छुप भी इनको लगेगी। तो चलें जी देखते हैं जी वो क्या कर रही है ऊपर। वो ऊपर बैठी है जी, कबूतर पीछे लगा हुआ है जी इसके, देखते हैं जी पकड़ी जाती है या नहीं पकड़ी जाती। बाकी अपने बच्चे शच्चे भी निकाले हुए हैं जी, ये ऊपर बैठे हुए हैं जी, ये देखिए। वो कल वाला बच्चा ले आया था जी मून भाई से, वो उस बच्चे का भी शौक करवाता हूँ आपको। ये है जी जो कल बैठते बैठते तीन बार आया नहीं बैठने, बस फिर जाके मून भाई के पास बैठ गया था ये वाला बच्चा जी, ये गोल हुआ था जी। शाम को जाके ले आया था उनसे, तो मैंने कहा चलें ये भी अपडेट शेयर कर दें आपके साथ। और दूसरा जो जिस परिंदे को बाज़ ने मारा था, जो पहले पकड़ा था आपने देखा होगा पिछली वीडियो में, अगर नहीं देखा तो वो भी जाके देखें वीडियो। ये बैठा हुआ है, इसको भी बांध के निकाल दिया बाहर, ये देखें अभी रंग शंग तो नहीं लगाया इसको, बाकी बांध के निकाल दिया। वो देखें जी वो उड़ के चली गई है जी, वो जा रही है जी वो सामने बैठ गए जाके। चलें जी, तो और बाकी अपने परिंदे शिंदे जो हैं जो पुराने हैं जी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता सार हो रहे हैं जी, पर सर उनके आ गए। ये देखें जी मादियाँ शादियाँ अभी इनको लगेंगी जी, थोड़ा सा टाइम। ये देखें जी अंडे भी डाले थे मादियों ने, तो उठा के फेंकें जी। बाकी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को। तो मौसम आज माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है, धूप शूप निकली हुई है, बिल्कुल साफ है मौसम। तो ये देखें जी ये बच्चे थोड़ी देर के लिए निकाले जी, मैंने कहा ज़रा इनको धूप शूप लगे ज़रा, ये दाना शाना भी खा रहे हैं जी माशाल्लाह जी। असल में अंदर धूप नहीं लगती ना ब्रीडर सेटअप वाली साइड पे, तो बच्चे ना अक्सर ना शल हो जाते हैं, उनके जो कुंदे जो होते हैं वो जाम हो जाते हैं, तो फिर धूप में छोड़ दूँ तो फिर वो ठीक रहते हैं। एक वो पीछे बच्चा बैठा हुआ है जी, वो भी थोड़ा सा शल हुआ हुआ है, बाकी धूप में छोड़ा हुआ है। एक दो दिन लगातार निकालूंगा इनको बाहर तो ज़रा खून इनका चलेगा, तो ठीक हो जाएंगे माशाल्लाह सारे। तो ये थी जी, मैंने कहा चलें अपने दोस्तों के साथ एक छोटी सी वीडियो अपडेट शेयर करें। तो जो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। मोहन भाई की बाजियां भी लग चुकी हैं जी, 15-11 हो चुकी हैं जी, तो अभी बहुत सारी कॉलें आ रही थी, बाकी फ़िलहाल तो छत क्लोज कर दी है। तो परिंदे भी माशाल्लाह मोहन भाई के पास अच्छे बल्ले जुड़े हुए हैं जी। तो देखें जी बैठा हुआ था तो वो भी चौकी सा कबूतर जो है वो फिर आके बैठ गया जी। ये है जी, ये है, ये आ रहा है जी और आया भी नीचे छत पे सीधा जी। चलें जी घूमता फिरता रहे, दाने की तरफ आया, ये देखिए बच्चों के साथ आ गया। बाकी जी अपने परिंदे माशाल्लाह सब एक्टिव हैं जी, एंजॉय कर रहे हैं जी, बैठे हुए हैं जी, ये देखें जी। बच्चे हिच्चे और भी अंदर पाल रहे हैं जी ब्रीडर सेटअप की तरफ, तो वो भी बहुत छोटे थे उनको इसलिए निकाला के भी बहुत छोटे हैं, बाकी ये बाहर आना शुरू हो गए थे। वो बच्चा जो ट्रे में नीचे देख रहे हैं ना आप,
वो गिरा ऊपर से सुबह, काफ़ी ऊपर वाले, सबसे ऊपर वाले खाने में था, ऊपर से नीचे आया तो उसको लगी है, तो इस वजह से ना उधर ही नीचे ही जाम हो गया, टांग शांग पे लगी है। अभी धूप पे छोड़ा है, देखते हैं अभी कोई इसको मेडिसिन शेडिसन देते हैं, इसको दवाई शवाई देते हैं। तो बाकी देखें जी, दाने की ट्रे के पास आ गए जी, डर रहा है दाना नहीं खा रहा है, इसको तो कोशिश कर दूँ पकड़ने की। वो वाला उड़ गया, वो उड़ गया जी, ये जी ये ऊपर बैठ गया फट्टे पे। चलें जी इसको नीचे उतारते हैं, पकड़ने की कोशिश कर दूँ, शुगल ही सही है, आप दोस्तों के साथ एक शुगल मेले ही लगा हुआ जी। चलें जी इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, उतारता हूँ इसको नीचे, दाना खाना डालता हूँ, तो फिर पकड़ के मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जी खुड्डे पे दाना फेंका मैंने, जाता हूँ अब इसको पीछे से डंडा लगाता हूँ, अगर उतर गई तो ठीक है, नहीं तो फिर जाए भाई जान, कुछ कर नहीं सकते। देखें ये जी है बहुत तेज है जी, नीचे उतर नहीं रही, दाना इसको डालता हूँ। उतरेगी दूसरा कबूतर भी ऊपर चढ़ गया, बांधा हुआ उड़ के चली गई जी। वो देखें जी, वो सामने वो दीवार पे बैठती है, खुद ही उड़ती है, खुद ही आती है, खुद ही जाती है। चलें जी आई तो फिर आपके साथ वीडियो अपडेट शेयर करेंगे। ये मुझे कुछ जंगली टाइप सी लग रही है, वो देखे सामने बैठ के इतनी तेज़ है, उसको पता है सामने एक नाली पड़ी हुई, इसमें दाने दाना खा रही है, जा रही है। देखें जी किस तरह मज़े से, उसे पता है यहाँ पे कोई भी नहीं है और इधर दाना पड़ा हुआ था, यहाँ पे खा नहीं रही थी, जंगली टाइप सी थी जी। चले जी आई तो अंदर करेंगे केज के अंदर, बाकी बच्चे से चे भी दाना खा रहे हैं। तो ये देखें जी बच्चे ऊपर नीचे हो रहे हैं, बड़े बच्चे ये देखें नीचे आके दाना भी खा रहे हैं, और ये बड़ा फ़ायदेमंद होता है जी, नीचे छत पे आपके बच्चे फिरते रहें, इससे आपके बच्चे ज़्यादा पक्के होते हैं, कहीं जाते नहीं, अगर कहीं बैठ भी जाएं तो वहाँ पे पकड़ा ही नहीं देते हैं, उड़ के आ जाते हैं। और वो देखें जी वो अपना मस्त, ये देखें जी वो उड़ी है जी वहाँ से, दाना शाना खा के वो नीचे चली गई, वो नीचे छत पर बैठ गई, नज़र आ रही होगी आपको, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो देखें जी वो नीचे छत पे बैठ के फिर रही है जी, इसने पता नहीं छतों को क्या समझा हुआ, ऐसे ही घूम रही है। चलें जी मैं आपको दिखाता हूँ जी, ये जो बच्चा है ना जी, ये देखें जी बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, इसके पाँव पे लगी हुई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कितनी हाइट से गिरा अंदर। ब्रीडर सेटअप की तरफ चलता हूँ मैं आपको ले के, मैं आपको दिखाता हूँ कितनी हाइट से ये गिरा है, ये देखें जी ये जी ये इसका दूसरा भाई है, ये सबसे ऊपर वाले खाने से यहाँ नीचे गिरा जी, सुबह मैं आया हूँ तो यहाँ नीचे पड़ा हुआ था, एक साइड पे गिरा हुआ था, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो बड़ा नुकसान हो गया, ऊपर से गिर गया बच्चा, बाकी भी बच्चे शच्चे अंडे शंडे डाले हुए हैं इन्होंने, तो इस जोड़े ने भी अंडे डाले हैं, इधर भी बच्चे हैं, इधर भी अंडे हैं और उधर ऊपर भी अंडे हैं, और इस साइड पे नीचे जो है ना बच्चे हैं छोटे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें जी इसके दो भाई अभी बाहर भी छोड़े हुए हैं जी, तो अभी छोटे छोटे ही होते हैं तो अंडे बच्चे डाल देते हैं, ये भी अंडे डाले हुए हैं जी, तो अंदर भी माशाल्लाह सारे परिंदे एक्टिव हैं जी, ये देखें। तो ये देखें जी व्यूवर्स, वो फिर आके सामने बैठ गई है, वो ऊपर बैठी हुई है, अभी ये नीचे उतरे ना इसको मैं पकड़ता हूँ, उतरा उतरा उतरा, आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, लगता तो नहीं आएगी लेकिन कबूतर पीछे लगा हुआ है, एक बार ये नीचे उतर आई ना जाल पे तो फिर मैं इसको जाने नहीं दूंगा क्या।
आ जा साइड से, मैं इसको डंडा लगाता हूँ, अगर नीचे उतर गई तो ठीक है, देखते हैं जी। ना जी डंडा तो नहीं, ये डंडा शंडा नहीं मानती है जी, ऐसे ही उड़ जाती है, खुद ही उतरे तो उतरे जी। आके बैठी थी, मैंने सबको अपने परिंदों को भी उड़ा दिया और उसको भी उड़ा दिया, मैंने कहा आती है नहीं नीचे, वैसे ही बार बार ये देखें फिर ये जी कबूतरों के साथ, वो गई है जी नीचे, फिर वो बैठ गई जी वहीं पे, वहीं पे पक्की हो गई जी। चलें जी, अपने बच्चे सच्चे भी उड़ गए हैं जी, नए बच्चे भी उड़े हैं जी, ये देखें जी ये बच्चा बैठ रहा है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। वो ऊपर भी एक बच्चा उड़ गया जी, उसको मैंने खोल दिया था आज, तो ये भी उड़ गया जी, बाकी एक बच्चा वो ऊपर चला गया। तो ये देखें जी व्यूवर्स, बच्चा कितना ऊपर चला गया जी, आज पहली बार उड़ा है जी ये। ये मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी ऊपर चला गया जी, वो देखें जी, इसको छेड़छूड़ लगाते हैं, टाइम भी बड़ा ख़तरनाक सा है, तो इसको बिठाते हैं। दूसरा बच्चा तो पुराना है, वो भी ऊपर गया लेकिन उसका इतना डर नहीं है, ये नया बच्चा आज ही उड़ा जी, वो जा रहा है जी, वो देखें जी छोटा सा आपको नज़र आ रहा होगा, ये आ रहा है जी छत, ये देखें जी अंदर भी सब परिंदे माशाल्लाह एक्टिव हैं। कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा जी। तो ये थी जी हमारी आज की अपडेट वीडियो, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें जी यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है जी, तो मिलते हैं जी आपके साथ एक नई वीडियो में, तो तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़ जी।